गुरमीत राम रहीम को सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को यौन शोषण मामले में दोषी करार दिया। इस फैसले के बाद डेरा सपोर्टर्स ने पंचकुला में गाड़ियां तोड़ी और आगजनी कर दी। भीड़ तो तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। रिपोर्टर्स के मुताबिक पंजाब के कई इलाकों में हिंसा शुरू हो गई है। पंजाब के बठिंडा, मानसा और फिरोजपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। डेरा समर्थकों ने चंडीगढ़ और पंजाब के कई इलाकों में तोड़फोड़ शुरू कर दी है। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। राम रहीम के उपद्रवियों ने मीडिया को भी नहीं बख्शा। राम रहीम के सपोर्टर्स ने एनडीटीवी के क्रू पर हमला किया। खबर है कि राम रहीम के समर्थकों के हमले में एनडीटीवी के गाड़ी के ड्राइवर का पैर टूट गया। उपद्रवियों ने आज तक की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए, जिसमें आज तक का कैमरामैन बुरी तरह से जख्मी हो गया। राम रहीम के दोषी करार दिए जाने के बाद राम रहीम के समर्थकों का उपद्रव शुरू हो गया है। अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। बता दें कि हाईकोर्ट ने सेना पुलिस को फ्री हैंड दे रखा है और साथ ही कहा है कि जो भी बवाल करे तो सख्ती बरतें। डेरा चीफ को 15 साल बाद कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान अब 28 अगस्त को किया जाएगा।